दोस्तों, अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों, यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों, आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में तो पिता और बेटी की कहानी है भूमि। साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहाँ रहते हैं वहाँ इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक, यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी जिंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर
और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे, मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं, सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों, आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में, तो पिता और बेटी की कहानी है भूमि। साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहां रहते हैं वहां इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक, यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी ज़िंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को
सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर।
तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में तो पिता और बेटी की कहानी है। भूमि साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहाँ रहते हैं वहाँ इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक, यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी जिंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में। संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है उमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों, यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों, आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में, तो पिता और बेटी की कहानी है। भूमि साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहां रहते हैं वहां इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक, यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी ज़िंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में। संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।
और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में तो पिता और बेटी की कहानी है। भूमि साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहाँ रहते हैं वहाँ इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक, यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी जिंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में। संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप Amazon प्राइम वीडियो पर
देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में तो पिता और बेटी की कहानी है भूमि। साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहाँ रहते हैं वहाँ इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक, यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी ज़िंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है,
अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में। संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में तो पिता और बेटी की कहानी है भूमि। साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहां रहते हैं वहां इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक,
यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी जिंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है
बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों, आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में, तो पिता और बेटी की कहानी है। भूमि साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहां रहते हैं वहां इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक, यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी जिंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में। संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है उमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी
आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon Prime Video पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों, यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों, आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में तो पिता और बेटी की कहानी है। भूमि साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहां रहते हैं वहां इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी ज़िंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं
भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon Prime Video पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों, यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर इन्जॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों, आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में, तो पिता और बेटी की कहानी है भूमि। साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहां रहते हैं वहां इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक, यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी ज़िंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना
और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं, सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों, यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों, आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में तो पिता और बेटी की कहानी है भूमि। साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहां रहते हैं वहां इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक, यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी ज़िंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है।
संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में। संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है।
कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में, तो पिता और बेटी की कहानी है। भूमि साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहां रहते हैं वहां इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक, यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी जिंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में। संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है
और दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में, तो पिता और बेटी की कहानी है। भूमि साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहां रहते हैं वहां इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक, यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी जिंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में। संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी
भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon Prime Video पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों, आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में तो पिता और बेटी की कहानी है। भूमि साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहाँ रहते हैं वहाँ इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक, यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी जिंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में। संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें Sony Max पर भी देखने को
मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon Prime Video पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर हिंदी भाषा में इंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों, यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों, आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में तो पिता और बेटी की कहानी है भूमि। साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहां रहते हैं वहां इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक, यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी ज़िंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे
शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे, मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं, सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों, आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में तो पिता और बेटी की कहानी है भूमि। साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहाँ रहते हैं वहाँ इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक, यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी जिंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को
सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों आप इस मूवी को
इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में तो पिता और बेटी की कहानी है। भूमि साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहां रहते हैं वहां इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी जिंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है उमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में तो पिता और बेटी की कहानी है। भूमि साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहां रहते हैं वहां इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक, यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी ज़िंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में। संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।
और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में तो पिता और बेटी की कहानी है। भूमि साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहाँ रहते हैं वहाँ इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक, यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी जिंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ़ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में। संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप Amazon प्राइम वीडियो पर
देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में तो पिता और बेटी की कहानी है भूमि। साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहां रहते हैं वहां इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक, यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी ज़िंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है,
अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में। संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में तो पिता और बेटी की कहानी है भूमि। साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहाँ रहते हैं वहाँ इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक
यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी जिंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है।
बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों, आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में, तो पिता और बेटी की कहानी है। भूमि साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहां रहते हैं वहां इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक, यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी जिंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में। संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है उमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए
नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon Prime Video पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों, यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों, आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में, तो पिता और बेटी की कहानी है। भूमि साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहां रहते हैं वहां इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक, यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी ज़िंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में। संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं। सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की, तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में।
तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon Prime Video पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों, यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों, आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में, तो पिता और बेटी की कहानी है। भूमि साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहां रहते हैं वहां इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक, यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी ज़िंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है। संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना
और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं, सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप संजय दत्त की मच अवेटेड मूवी भूमि को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भूमि मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। 22 सितंबर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की ड्रामा एक्शन मूवी भूमि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो संजय दत्त, अदिति राव हेदरी, शेखर सुमन, शरद केलकर, सिद्धांत गुप्ता, गुरु छिप्पर, रिद्धि सेन, साक्षी द्विवेदी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 5.3 की रेटिंग हासिल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और दोस्तों, यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संजय दत्त ने इस मूवी के अंदर काफ़ी गजब का रोल प्ले किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 15 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी के गाने भी काफ़ी अच्छे साबित रहे थे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर। तो दोस्तों, आप इस मूवी को इस प्रकार हिंदी भाषा में एंजॉय कीजिएगा। निर्देशक उमंग कुमार को करियर के शुरुआत में ही फिल्म मेरी कॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डायरेक्टर से उम्मीद बढ़ना लाजमी है। कहानी की बात करें इस मूवी के बारे में तो पिता और बेटी की कहानी है भूमि। साधारण और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले अरुण सचदेव, संजय दत्त और भूमि अदिति आगरा में जहां रहते हैं वहां इनका जूते का छोटा सा बिजनेस है। बाप बेटी के नोकझोंक, जिगरी दोस्त ताज, शेखर सुमन के सजाक यह परिवार हंसता खिलखिलाता है। उनकी ज़िंदगी बदल जाती है जब भूमि से शादी से ठीक एक दिन पहले गैंग रेप का शिकार हो जाती है। शादी का टूट जाना, अदालत की नाइंसाफी और समाज के तानों को सहने के बाद बाप बेटी अपने हक की लड़ाई का खुद फैसला करते हैं और अंत में दोषियों को अपने तरीके से सजा देते हैं। सालों बाद संजय दत्त की बड़े पर्दे पर वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी दिवाली की तरह है।
संजू बाबा इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे हैं, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। संजय दत्त का पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको जोश आएगा, वही इमोशनल सीन आंखों में आंसू ला देगा। खास तौर पर अदालत में संजय दत्त का मोनोलॉग जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। अदिति राव हेदरी ने भूमि के किरदार को बखूबी निभाया है। जितना नेचुरल उनका काम था उतना ही नेचुरल लुक बाप बेटी की भूमिका में। संजय दत्त और अदिति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे शरद केलकर और शेखर सुमन ने भी अच्छा साथ दिया है। फिल्म के कई डायलॉग्स आपको याद रहेंगे मगर स्क्रीन प्ले कई जगहों पर डगमगा जाती है। वहीं अदालत में लड़की की वर्जिनिटी का तर्क देना, बारात का वापस चले जाना, पड़ोसियों का ताना देना और विलन का आइटम गाने पर शराब पीकर झूमना थोड़ा घिसा पिटा लगा। फिल्म देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ भी नया देख रहे हैं सिवाय संजय दत्त की दमदार एक्टिंग की। तो अगर आप संजय के फैन हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह मूवी आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी को आप हिंदी भाषा में आपके अपने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी हमें सोनी मैक्स पर भी देखने को मिल जाएगी।